हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। और दोस्तों ये जो अपडेट है वो नए रिक्वायरमेंट की है, यानी कि दोस्तों जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है उसने नई भर्ती जारी की है। और दोस्तों ये जो भर्ती है वो अलग अलग जोन में जारी की है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पहला नोटिस है वो है दोस्तों कोलकाता रेलवे का, यानी कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन नोटिस बताने वाला हूँ, यानी कि तीन जोन के। और इसके अलावा दोस्तों कई सारे जोन में जो है रेलवे ये जो अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती है वो जारी कर रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहे और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है उसकी नई भर्ती जारी की गई है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने RRB जो कोलकाता है उसका यहाँ पर नोटिस ओपन कर रखा है। तो दोस्तों इसमें जो है काफ़ी सारे पदों पर जो है अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हो कि कब से जो है आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप जो है 4/10/2021 से जो है इसमें सुबह 10 बजे से जो है फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों वहीं आप जो है 3/11/2021 तक जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की जाएगी सिलेक्ट कैंडिडेट की, दोस्तों वो जो है 18/11/2021 को जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें जो है कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पर जो है मेरिट के आधार पर ही जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों ये जो नोटिस है वो 1/10/2021 को जारी किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो बता देता हूँ। और दोस्तों ये जो पोस्ट है वो ITI के कैंडिडेट की है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो हावड़ा डिवीजन है उसमें जो फिटर, वेल्डर, मैकेनिक MV और मैकेनिक डीजल मैकेनिक MV, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन जनरल, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का जो है दोस्तों यहाँ पर जो नया रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर बहुत सारी जो पोस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो दोस्तों केवल मैं आपको यहाँ पर टोटल पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। और दोस्तों इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको MKN Academy के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर जो है नई वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर दोस्तों सियालदह जो डिवीजन है उसमें भी यहाँ पर जो है बहुत सारी जो पोस्ट हैं उन पर नई रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। और दोस्तों ये सारी जो पोस्ट हैं वो केवल ITI की पोस्ट हैं। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी यानी कि जिसने ITI कर रखा है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी यानी कि जो 15 साल का हो चुका है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और दोस्तों 24 साल के ऊपर का जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन दोस्तों जैसे SC ST और OBC के कैंडिडेट को जो है इसमें 5 साल की छूट दी गई है, तो दोस्तों वो जो है 29 साल की उम्र तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो आसनसोल जो डिवीज़न है उसमें भी यहाँ पर आप जो पदों की संख्या है वो आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो जारी की गई है। और दोस्तों सभी पोस्टें यहाँ पर जो है ITI की है। तो दोस्तों ये जो है RRB कोलकाता की पोस्ट हैं। तो दोस्तों इसमें जो मालदा डिवीज़न है उसमें भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें जारी की गई है, सभी में दोस्तों ITI की पोस्टें जारी की गई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो कंचरापारा जो वर्कशॉप है उसमें भी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पोस्टें जारी की गई है। और दोस्तों सभी जो कैटेगरी है उनमें यहाँ पर पोस्टें जारी की गई है और सभी ITI की पोस्टें हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे लिलुआ वर्कशॉप है उसमें भी यहाँ पर बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हो। तो दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी ने यहाँ पर फॉर्म भरना है दोस्तों ITI कर रखी है तो आप इसमें बेझिझक फॉर्म अप्लाई करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर जमालपुर वर्कशॉप है उसमें भी बहुत सारी पोस्टें यहाँ पर जारी की गई है। तो दोस्तों ये जो है रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ा यहाँ पर नया रिक्वायरमेंट आ चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो अगला जो रेलवे जोन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो RRB सिकंदराबाद है उसकी भी यहाँ पर नई जो वैकेंसी वो जारी की गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो दोस्तों इसमें भी यानी कि सिकंदराबाद में भी आप जो है 4/10/2021 से फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों 3/11/2021 तक यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसकी जो पोस्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पर पोस्टें जारी की गई है। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे मैकेनिक है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, MMTM है, MMW है, पेंटर है, वेल्डर है। तो दोस्तों इसमें भी जो है बहुत सारी यहाँ पर पोस्टें जारी की गई है। और दोस्तों सभी कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो जारी की गई है। और साथ ही दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई दिया है कि आपके पास में ITI होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास में जो 10वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। और दोस्तों 50% के साथ में जो है आप 10वीं और 12वीं पास की वो होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों जो ITI है वो भी आपकी 50% के साथ में जो है पास की भी होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें जो है केवल और केवल आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर होगा। फिर दोस्तों इसमें जो अगला जो जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों RRB हुबली के अंतर्गत जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है उसके माध्यम से यहाँ पर भी जो है नया अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों आप 4/10/2021 से 3/11/2021 के मध्य जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी जो पोस्टें हैं वो बता देता हूँ। तो दोस्तों हुबली जो डिवीजन है उसमें जो है इस तरह की जो है काफ़ी सारी पोस्टें जारी की गई है, जिसमें दोस्तों फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन, NAC मैकेनिक है, तो या फिर जैसे दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है। तो दोस्तों इन पोस्टों पर जो है यहाँ पर नया रिक्वायरमेंट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हुबली है उसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पर पोस्टें जारी की गई है। वहीं दोस्तों जैसे बेंगलुरु डिवीजन है उसमें भी जो है
बहुत सारी जो पोस्टें हैं यहाँ पर जारी की गई है। वहीं दोस्तों जैसे मैसूर डिवीजन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पोस्टें जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों जैसे सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर है उसमें भी जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पोस्टें जारी की गई है। तो दोस्तों सारी पोस्टें केवल ITI की ही जारी की गई है। तो दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी ने ITI कर रखा है वो जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें 100 रुपये आपका जो है एग्जाम फीस लगेगा। और दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है इसमें केवल मेरिट के आधार पर लिया जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें जो है आपका एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपके कम से कम जो है 10वीं और 12वीं और ITI में जो है 50% के साथ में जो है आपका जो पास किया हुआ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे आपकी एज है वो मैंने बता दिया कि 15 से 24 साल के मध्य अगर आपकी एज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे SC ST और OBC के अभ्यर्थी को जो इसमें 5 साल की छूट दी गई है एज में, तो दोस्तों आप जो है जल्दी से इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इसी तरह रेलवे से संबंधित पल पल के अपडेट के लिए MK Academy का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।